हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा फुल स्टैक डेवलपर के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस हाउ टू बिकम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, राइट। क्योंकि ये एक अक्सर क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों के कि सर व्हाट टू डू टू बिकम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, कि हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, कितना टाइम हमें लगेगा। ओके, तो आप देखिए यहां पर अगर बाय चांस आप बीटेक स्टूडेंट हैं, आप एमसीए स्टूडेंट हैं, बीसीए स्टूडेंट हैं, दैट डजंट मैटर कि आप किस डिग्री को बिलोंग करते हैं। यस, यदि सपोज करिए आपने अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया है एंड यू आर सर्चिंग द जॉब, यदि आपने अपना एमसीए कंप्लीट कर लिया है, जो भी मास्टर डिग्री है एमसीए एमटेक, और अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, देन दिस कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, राइट। कि आप एक जावा फुल स्टैक डेवलपर के फॉर्म में बड़े आसानी से जॉब ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए, कोई भी चीज आसान नहीं होती है, रास्ता तो खैर पूरा तय करना पड़ेगा, और वो किस सीक्वेंस में चलना है वो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मैं हर नई टेक्नोलॉजी के कोर्स लाते रहूं, जो कि मेरी इच्छा है, बिल्कुल है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कोर्स लाते रहूं, लेकिन यदि आपकी तरफ से मोटिवेशन नहीं मिला तो बॉस फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आप लोगों के लिए अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के लिए वीडियो प्लान कर सकूं, राइट। तो इसलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप नए टेक्नोलॉजीज के वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते, और यदि चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इस पूरे कोर्स में आपको कितने स्टेप्स लेनी है, कितना टाइम आपको लगेगा, राइट। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं, कभी भी घड़ी देख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन यस, एक पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट। कि आप उसको कितनी ईमानदारी से, कितनी सीक्वेंस में कवर करते हैं और कितने जल्दी आप उसको कवर करते हैं, ये अल्टीमेटली, लेकिन यस, एक टेंटेटिव टाइम जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। लेकिन यदि हमें जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो सर, इस फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या है? तो आप देखिए, कोई भी एप्लीकेशन जब बनती है ना, तो उसमें एक सिंगल टेक्नोलॉजी कभी भी रोल प्ले नहीं करती, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, राइट। तो वैसे ही जावा भी है। जावा इज नॉट फॉर अ सिंगल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, राइट। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम मल्टीपल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन कर सकते हैं, लाइक वी विल गो फॉर वेब डेवलपमेंट इन जावा, वी विल गो फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन जावा, वी विल गो फॉर मोबाइल डेवलपमेंट इन जावा, राइट। तो यहां पर भी आप समझिए, आपको फुल स्टैक डेवलपर जो बनना है, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जावा में मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप करें, आप जावा में वेब एप्लीकेशन भी डेवलप करें, आप जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप करें। आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को मास्टरी रखना है, ओके, और वो फुल स्टैक डेवलपर आपको बनना है। फॉर एग्जांपल, जावा फुल स्टैक डेवलपर फॉर वेब डेवलपमेंट, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है? तो आप देखिए, सबसे पहली स्टेप में यू मस्ट नो द कोर जावा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको कोर जावा के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है, फर्स्ट स्टेप। इट विल टेक अराउंड टू मंथ, राइट। क्योंकि देखिए, केवल पढ़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है ना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो कोर जावा को सबसे पहली स्टेप पे आपको कंप्लीट करना है, और कोर जावा में आपको मेजर टॉपिक्स लाइक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, फिर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंप्लीमेंटेशंस में आएंगे, देन यू विल कम टू द टॉपिक लाइक मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, फाइल आयो, ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है कोर जावा में, राइट। तो ये कोर जावा का मतलब, ये पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो कोर्स है, ये डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे आपके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगा। आप स्टेप बाय स्टेप बस इस कोर्स को कंप्लीट करते जाइए, राइट। तो यहां पर जब आप कोर जावा के इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को, लाइक आपको समझ में आएगा इंटरफेस क्या होता है, आपको समझ में आएगा इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट, ट्राई कैच का मतलब क्या होता है, ओके, देन आपको समझ में आएगा फाइल आयो का मीनिंग क्या है। तो इन आपको पढ़ने के बाद, वंस यू कंप्लीट योर कोर जावा, आप एटलीस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट बनाइए, इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो कि आपको डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे फ्रीली मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्विजेस को सॉल्व करिए, एंड वंस यू फील दैट, ये देखिए, खुद से ईमानदारी रखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी जर्नी में, राइट। जिस दिन आपको लगता है कि यस सर, नाउ आई एम कंफर्टेबल इन कोर जावा, देन यू शुड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहां से आपको नेक्स्ट स्टेप लेनी है। अब यहां से जब आपको नेक्स्ट स्टेप लेनी है, दैट मींस टूवर्ड्स एडवांस जावा। अब इस एडवांस जावा में भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, कि यदि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाना चाह रहे हैं
ओके या वेब एप्लीकेशन में जाना चाह रहे हैं। बट देखिए आप, यदि मैं आपको सजेस्ट करूं तो यू शुड गो फॉर वेब एप्लीकेशन बिकॉज जावा इज वेल नोन इन द मार्केट फॉर वेब डेवलपमेंट। तो यदि आप एक फुल स्टैक डेवलपर के फॉर्म में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या जॉब आप चाहते हैं तो यू विल बिकम अ वेब डेवलपमेंट, है ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ठीक है, इट्स ओके, लेकिन यदि कंपेरिजन किया जाए तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन से ज्यादा जावा की यूटिलिटी जो है वो वेब डेवलपमेंट में है। बट यस, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के फॉर्म में जाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू बिकम अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब अगर आप कोई सिंगल यूजर एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी सिंगल क्लाइंट के लिए मतलब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, यू विल गो फॉर स्विंग्स। यहां पर आप जा सकते हैं, स्विंग्स को आप यूज कर सकते हैं, यू विल गो फॉर स्विंग्स, यू विल गो फॉर जावा एफएक्स। आप जावा एफएक्स पे जा सकते हैं, आप स्विंग्स पे जा सकते हैं। दिस आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल इन जावा फॉर बिकम अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर, राइट। तो ठीक है, इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। इसको किस तरीके से डिजाइन करना है, डेवलप करना है, ये सब हम आने वाले समय में, आने वाले टॉपिक में देखेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर दिस टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। एंड देन आफ्टर एडवांस जावा में जो मेजर फोकस हम करेंगे वो होगा वेब डेवलपमेंट। और जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं जावा में, तो हमारा मेजर फोकस होता है सर्वलेट, जेएसपी, ठीक है, इन दो टेक्नोलॉजीज पे। फर्स्ट टू कंप्लीट दिस टू टेक्नोलॉजी, सर्वलेट एंड जेएसपी। देन आफ्टर, अच्छा, इन सर्वलेट और जेएसपी के पहले यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। क्योंकि आप देखिए, वेब डेवलपमेंट जो है वो मेजरली एक आर्किटेक्चर को फॉलो करता है जिसमें एक यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस की जो डिजाइनिंग है वो हम करते हैं HTML, CSS और JavaScript को यूज करके। देन एक कंट्रोलर पार्ट होता है जो कि हमारा मीडिएटर होता है फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में, कि यूजर इंटरफेस और डेटाबेस के बीच में देयर इज अ कंट्रोलर। ये कंट्रोलर का काम जावा में करती है सर्वलेट या जेएसपी, जो यूजर से डेटा लेंगी और इस डेटा को आगे फर्दर प्रोसेस करेंगी डेटाबेस के साथ, राइट। तो हियर यू शुड नो द सर्वलेट जेएसपी कॉन्सेप्ट। सर्वलेट जेएसपी के अलावा इसके बाद आपको इसी में वेब डेवलपमेंट की बात ना करें, लेकिन इसी में यू मस्ट नो द एसक्यूएल कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको एसक्यूएल का भी नॉलेज लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट हाउ टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, राइट। कि डेटाबेस कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, दैट वी शुड कवर इन अवर कोर्स, ओके, जिसको हम JDBC के फॉर्म में कवर करेंगे, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, राइट। लेकिन आप देखिए, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी या को पढ़ने के पहले यू मस्ट नो द एसक्यूएल कॉन्सेप्ट। यहां पर आपको एसक्यूएल का नॉलेज लेना कंपलसरी है, क्योंकि आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए जिस लैंग्वेज को हम यूज करेंगे, ओके, दैट इज व्हाट एन एसक्यूएल लैंग्वेज। जहां पर हम MySQL की बात करेंगे, Oracle की बात करेंगे, तो वेब डेवलपमेंट यूजिंग सर्वलेट एंड जेएसपी, ओके। तो वंस यू कंप्लीट दिस कोर्स, राइट, एक बार आप एडवांस जावा का कोर्स कंप्लीट करेंगे, कोर जावा इट विल टेक अराउंड 2 months, एडवांस जावा इट विल टेक अराउंड 1 month, है ना। अगर आप एक महीना पूरा फोकस्ड होके सिंसियरली इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो इट विल नॉट टेक मोर देन 1 month, एक महीने में आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। पर समय कितना दे रहे हैं आप, ये बहुत मैटर करता है। एटलीस्ट 3 to 4 hours you have to spend a day, तो फिर आप इसको बड़ी आसानी से एक महीने में कंप्लीट करेंगे। देन स्टार्ट वर्किंग अगेन ऑन प्रोजेक्ट, जो कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा, डोंट वरी। हम इसमें पूरी एप्लीकेशन में, पूरे कोर्स में हर मूवमेंट पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे, ओके। तो स्टार्ट टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। आप इस कोर्स को कंप्लीट करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे स्टार्ट करें। अच्छा, इसके अलावा जब हम एडवांस जावा पढ़ेंगे तो विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट IDEs, लाइक इक्लिप्स के बारे में हम बात करेंगे, NetBeans के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज देर आर डिफरेंट IDEs आर अवेलेबल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, मतलब जावा का एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर हम जावा एप्लीकेशंस को बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, तो वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताने वाला हूं, डोंट वरी। सो एडवांस जावा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, SQL, ये हमने कंप्लीट किया, सो दैट नाउ विल बिकम अ मास्टर इन वेब डेवलपमेंट। एंड देन तीसरी स्टेप आती है जहां पर हम बात करेंगे, जहां पर अब आपको जाना है फ्रेमवर्क पे, जावा एडवांस के जो फ्रेमवर्क्स, राइट, इन पे हमें वर्क करना है, जिसको हम एक्चुअली कॉर्पोरेट जावा भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट जावा, राइट। तो इन फ्रेमवर्क में हम क्या सीखेंगे, विल स्टार्ट विद हाइबरनेट। सबसे पहले हम हाइबरनेट सीखेंगे, लेकिन आप देखिए, गलती बिल्कुल मत करिएगा कि डायरेक्टली फ्रेमवर्क आप सीखने की कोशिश करें, अनटिल एंड अनलेस यू नॉट कंप्लीट एडवांस जावा, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेमवर्क। क्योंकि हाइबरनेट को यूज करके हम एक्चुअली JDBC को रिप्लेस करेंगे। अब जब तक आप JDBC नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप हाइबरनेट नहीं सीख पाएंगे, घटना पॉइंट। और एडवांस जावा के लिए आपका कोर जावा ना कंपलसरी, क्योंकि जब तक आप कोर के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, आप एडवांस नहीं सीख पाएंगे। यदि मैं आपको बोलूंगा सर्वलेट इज एन इंटरफेस, तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि इंटरफेस होता क्या है, जब तक आप कोर जावा नहीं पढ़ेंगे।
गॉट माय पॉइंट? यदि मैं बोलता हूं एचटीटीपी सर्वलेट इज अ क्लास इन जावा, तो यू मस्ट नो व्हाट इज अ क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है, फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट इन आर कोर सिलेबस। पहले आप उसको कोर में कंप्लीट करें एंड देन आफ्टर एडवांस जावा, जहां पर हम जेएसपी सर्वलेट की बात करेंगे, और इसके बीच में जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, इसके लिए हमने एक बिल्कुल अलग से पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है विद द फ्री सर्टिफिकेशन HTML CSS JavaScript। तो जब आप एडवांस जावा पे आए, तो बिफोर स्टार्टिंग सर्वलेट एंड जेएसपी, राइट, यू मस्ट कंप्लीट दिस कोर्स HTML CSS JavaScript एंड देन आफ्टर आप आइए सर्वलेट और जेएसपी पे, राइट, एंड देन SQL जो कि हम सीखेंगे आगे, डोंट वरी। लेकिन ये सीक्वेंस जो आपको फॉलो करनी है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो हाइबरनेट के बाद सेकेंड विल गो फॉर स्प्रिंग, ओके, देन स्प्रिंग के बाद विल गो फॉर स्प्रिंग बूट, ओके, ये स्प्रिंग बूट जिसको हम कवर करेंगे। इसी बीच हम मेवान एप्लीकेशन की भी बात करेंगे कि व्हाट इज मेवान एप्लीकेशन, क्योंकि क्या होगा जैसे जैसे हम आगे एडवांस जावा में बढ़ते जाएंगे ना, हमारी डिपेंडेंसीज बढ़ेंगी APIs के ऊपर, जार फाइल्स के ऊपर, ओके, तो उन APIs के डिपेंडेंसीज को रिमूव करता है मेवान। तो मेवान बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हार्डली इट विल टेक 3 to 4 days टू अंडरस्टैंड द मेवान एप्लीकेशन एंड टू इंप्लीमेंट दिस मेवान इन आर प्रोजेक्ट। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो मेवान को हम कंप्लीट करेंगे, स्प्रिंग बूट की हम बात करेंगे, हाइबरनेट को हम कंप्लीट करेंगे, ओके, एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हम इस जावा एफएक्स और स्विंग्स पे भी बात करेंगे, जहां पर हम इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन की बात करेंगे। और इसमें भी देखिए दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आप स्विंग्स को यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं या जावा एफएक्स को यूज करके अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का, कि आपके पास ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, लाइक आईडी है, नेटबीन्स है, इक्लिप्स है, जहां पर अगर आपको एक पेज बनाना है, आपने बटन को ड्रैग किया ड्रॉप कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग किया ड्रॉप कर दिया, राइट क्लिक किया, उसके इवेंट प्रोग्रामिंग लिख दी, राइट। लेकिन पहली स्टेप में हम इस पे नहीं जाएंगे, पहली स्टेप में एटलीस्ट हम दो से तीन एप्लीकेशन हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बजाय कोड लिख के बनाएंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए बीइंग अ फ्रेशर, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कोई भी टेक्नोलॉजी दो तरीके से सीखी जाती है, इवन जावा को दो तरीके से सीखा जाता है, एक कंपनी में जाने के लिए और एक कंपनी में रहने के लिए। यदि कंपनी में जाना है तो आपके कोर कॉन्सेप्ट कोडिंग वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर कंपनी में रहना है तो यू मस्ट नो द IDE कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको आपके फ्रेमवर्क्स का नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली सर्वाइव इन द कंपनी। तो पहले पहुंचेंगे, फिर सर्वाइव भी तो करना है ना, केवल पहुंचना ही थोड़ी ना है, गॉट माय पॉइंट? तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स पहुंचाने के लिए भी है और सर्वाइवल के लिए भी है, बस बने रहना है, पढ़ते रहना है, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट भी करते रहना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे कोर जावा के कॉन्सेप्ट से, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द एप्लीकेशन ऑफ कोर जावा, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बॉस लाइक शेयर जरूर करें और बने रहें इस कोर्स में। टाटा।